के तमाम स्टूडेंट से दुआ से जो जोर क्लैपिंग करें सर के लिए। सेल्फन स्कूल चक्षराज के एनवायरमेंट के साथ हमारे सीनियर प्रिंसिपल हैं, वो अपने तमाम स्कूल को छोड़कर आज हमारे इससे निलोर के अंदर झटका लगा तो उसकी वजह से हमारे जो साइन का सिस्टम है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अभी दोबारा कनेक्शन किया जा रहा है। जिस चीज को लकी आती है भाई वो भी साथ पढ़ सकते हैं, मना नहीं है। रहमान रहीम। अब हम बच्चों से थोड़ा सा पूछेंगे कि भई इन्होंने जो मॉडल्स बनाए हैं तो किस तरह बनाए हैं, विद हेल्प बनाए हैं कि खुद बनाए हैं, तो बच्चे भी डिफाइन करेंगे कि ये कैसे बनाए हैं। माय नेम इज रिदा फातना, आई एम फ्रॉम क्लास 5। माय टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी लाइफ साइकिल के बारे में, जो है बटरफ्लाई का, हैन का, हैन का और फिश का। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहले हमें मिलता है एक एग, देन लार्वा, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट इमर्जिंग एंड लास्ट द बटरफ्लाई। इन द सेकंड फॉर्म आई विल टेल यू अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ हैन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन एग, in second chick young, and in the third form hen adult, and come here life cycle of a fish. First we take egg, in second fry, and in the third form fish adult. My name is Laila Zaman, I am from class 5th. Today my topic name is water cycle. So today I am telling you about water cycle. First of all, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी evaporation के बारे में। evaporation में हमारे पास पानी है, पानी में हमारे पास बहुत सारी जगहों पे पानी होता है, डैम, सी, ऐसे बहुत सी जगहों पे होता है। सन जब हीट देता है पानी को तो वो हमारे पास वेपरेशन की फॉर्म में ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद वो हमारे कंडेंशन में हमारे पास क्लाउड बन जाते हैं। क्लाउड के बाद हमारे पास प्रेसिपिटेशन आती है। प्रेसिपिटेशन में हमारे पास जब वो ठंडी होकर उसके अंदर पानी जमा होता है तो वो रेन की फॉर्म में हमारे पास नीचे आते हैं। और फिर कलेक्शन, कलेक्शन में हमारे पास दोबारा से पानी इकट्ठा हो जाता है। थैंक यू। माय नेम इज आयशा सुमैया, आई एम फ्रॉम ग्रेड 3। यू सी दिस इज अ सन, इट इज अ ब्राइटेस्ट स्टार, इट मेड ऑफ हॉट गैसेस। दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अर्थ हैज वाटर एंड लैंड, इट हैज लाइफ एंड नो प्लैनेट हैज नो लाइफ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। इट हैज ऑक्सीजन एंड देयर हैज नो ऑक्सीजन। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, इट हैज 61 मून। माय नेम इज आशीष वेदार, आई एम फ्रॉम क्लास 2। आवर टॉपिक इज द एनवायरमेंट एंड दिस इज पोल्यूटेड एनवायरमेंट एंड दिस इज हेल्दी एनवायरमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फैक्ट्रीज हैं जिनमें से गंदा ऑयल एंड पानी निकल रहा है और यहाँ से स्मोक निकल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर गंदगी है और यहाँ पर लोग यहाँ पर कचरा फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो हमें ट्रीज सांस देते हैं वो डाई हो जाते हैं, जिनकी वजह से इन जानवरों की डेथ भी हो जाती है और साथ में लोग भी बीमार हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट में के
यहाँ पर ग्रहण हो रही है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदी में कोई गंदगी नहीं है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोट में बच्चे भी बैठे हुए हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि डक भी खेल रही हैं एंड वहाँ पर फिशेज भी जिंदा हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे जानवर हंसी खुशी खेल रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू बॉयज भी हैं और यहाँ पर सारे हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बच्चे के पेरेंट्स जो है यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो, कैसे हैं सर आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशहूर हूँ कि आप हमारे आज इस आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन में तशरीफ लाए, तो आज इस इवेंट के हवाले से मैं आपसे कुछ राय लेना चाहूँगा। हम मेरे चार बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो एक सच अ गुड इवेंट टू एक्सप्लोर द हिडन टैलेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आया बच्चों की ड्राइंग देखी, और मैं तो इस बारे में यही कहूँगा तो इकबाल का शेर है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते दी राह से, ज़रा नम होती ये मिट्टी बड़ी तरह से साथी। तो ये बहुत प्यारा इवेंट है और स्पेशली बच्चे इंजॉय कर रहे हैं टू फ्रेश देयर माइंड एंड स्मेल देयर फेसेस। तो और स्पेशली बच्चों के लिए ये इवेंट बहुत माने रखता है। पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं और एक डे मिलता है, पेरेंट्स को भी टाइम गुजारते हैं बच्चों के साथ, टीचर एंड पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और बच्चों के साथ जो उनकी जो इंजॉय कर रहे हैं बच्चे और बच्चों की ड्राइंग्स हैं, और स्पेशली पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हमारे बच्चे में जो क्वालिटीज़ हैं तो उनको हम कैसे जो है ना आगे इनको जो हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेशली मुझे खुशी इस बात की है कि दार अरकम तालीम के साथ साथ दीन दुनियावी तालीम के साथ साथ जो दीनी इनका जो मिशन है जो बच्चों को एक दीन के हवाले से, तो मेरा बच्चा यहाँ पर कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, स्पेशली मेरा एक ही बेटा है तो मैंने इसको इसमें ही यहाँ पर रखा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी आने वाली जनरेशन अपने न सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि अपने मज़हब को भी यहाँ पे साथ लेके चलते हैं। और मैं दार अरकम को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो इन्होंने ऐसे इवेंट पहले भी मैं आता रहा ऐसे इवेंट ये करते रहते हैं, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इससे और बल्कि से बेहतर इवेंट्स और नहीं कहूँगी। थैंक यू। Hasan Akar.